गाइस पोकेमोन एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यार हम लोगों को बहुत से पोकेमोन्स के बारे में पता है, बहुत अच्छे तरीके से, जो बहुत से तरीके के हैं। और जब से पोकेमोन सन एंड मून आया है तो उसमें 81 और न्यू पोकेमोन्स जुड़ चुके हैं पोकेमोन की दुनिया में। तो फिर विंटर में इसी से रिलेटेड कुछ हो जाए, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ पोकेमोन्स जो क्रिसमस के लिए ही है, जैसे सेंटा ने उन्हें खुद ही बनाए हो। हम देखेंगे उनकी कहानी, उनकी इंस्पिरेशन और वो कब आए थे, और हर वो एक चीज जो क्रिसमस से जुड़ी हुई है। तो चलो देखते हैं कुछ पोकेमोन्स को जो आपको क्रिसमस की याद दिला देंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट को। तो ये लिस्ट स्टार्ट होती है क्राइगनल से। ये पोकेमोन बर्फ के एक टुकड़े जैसा ही है जो बिल्कुल क्रिसमस से मिलता है। क्रिसमस की बर्फ और ठंड हमें इसकी याद दिलाती है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे यहाँ बर्फ नहीं गिरती, बस मौसम के ज्यादा ठंडे होने की वजह से मेरा गला खराब हो जाता है और मैं वीडियोस नहीं बना पाता। क्रिसमस के मौके पे ये एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चे बाहर जाके स्नोमैन बनाते हैं, एक दूसरे से स्नोबॉल से फाइट करते हैं। हाँ हाँ, सिर्फ देखा है मैंने ये सब टीवी पर और इंटरनेट पर, मगर खुद कभी फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल पाया। अब आपको पता है बर्फ नहीं गिरती है हमारे यहाँ। एनीवेज बात करते हैं पोकेमोन की। क्राइगनल के साथ कुछ ऐसा ही है। क्राइगनल का कोई भी इवोल्यूशन नहीं है, ना ही ये किसी का इवोल्यूशन है और ना ही ये विकसित होता है। ये आइस टाइप पोकेमोन पहली बार फिफ्थ जनरेशन के गेम्स में बताया है। ये यूनिक शेप का पोकेमोन एनिमी में भी आ चुका है और पोकेमोन की 15th मूवी क्योरम वर्सेस द सॉर्ड ऑफ जस्टिस में भी इसकी अपीयरेंस हुई है, जिसमें साथ में रहता है द लेजेंडरी ड्रैगन और आइस टाइप पोकेमोन क्योरम के साथ में। अब नंबर 9 में आता है ग्रास और आइस टाइप पोकेमोन एबमासनो। एबमासनो पहली बार फोर्थ जनरेशन के गेम्स में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इससे पहले स्नोवर रहता है और फिर विकसित होने के बाद ये एबमासनो बन जाता है। इसके बाद कोई भी इवोल्यूशन नहीं है, पर मेगा बन सकता है ये, जो कि एक बहुत पावरफुल पोकेमोन है और हमने इसे जिम लीडर्स के पास भी देखा है पोकेमोन एक्स एंड वाई में। बात करें क्रिसमस की तो बर्फ से बच्चों का एक बॉन्ड होता है जिससे वो सब एक स्नोमैन बनाना चाहते हैं, और यही एबमासनो हमें दिखाता है। ये एक स्नोमैन की तरह ही है। और तो और एबमासनो को जमे हुए पेड़ वाले पोकेमोन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी बालों से भरी हुई बड़ी सी बॉडी और ऊपर से व्हाइट स्नो जैसे होने की वजह से ये पूरा स्नोमैन लगता है। पॉकेडेक्स के हिसाब से ये रेयर माना जाता है, जहाँ तक वो इसलिए क्योंकि बर्फ के पहाड़ों में ही रहता है और सिर्फ तभी दिखाई देगा जब बर्फ के फूल खिलेंगे, जिसके बाद ये वापस चला जाएगा। क्या आपको इस बात के बारे में पता था, मुझे कमेंट्स में बताना। वैसे एस भी इस पोकेमोन से मिल चुका है जब वो पहाड़ से गुजर रहा था सेरिना और बाकी ग्रुप के साथ में। अगले के लिए हमारे पास है अलोलन शैंडसरू, पहला पोकेमोन जो न्यू सीरीज से लिया है हमने सन एंड मून से। दूसरी तरफ पहले वाला ओरिजिनल शैंडसरू ग्राउंड पोकेमोन था, पर सन एंड मून में ये एकदम नया हो चुका है और एकदम नए फॉर्म में है, जिसके बाद इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। जैसे ग्राउंड टाइप से अब स्टील आइस टाइप पोकेमोन हो गया है, और अब क्रिसमस पे स्नोमैन बनाने के अलावा भी हमारे पास बहुत से मजे हैं, जैसे बर्फ में गुफाओं को बनाना, और ये पोकेमोन हमें इसमें मदद कर सकता है। अब इस लिस्ट में नंबर 7 में है स्टेंटलर। अब इसे देखकर ही तुम समझ गए होगे क्यों इस लिस्ट में है। इस पोकेमोन का कोई भी इवोल्यूशन नहीं है और इसे बड़े सींग वाले पोकेमोन के नाम से भी जाना जाता है। स्टेंटलर दिखने में बिल्कुल रेनडियर के जैसे ही है। इसके बड़े सींगों के वजह से और सब कुछ एकदम रेनडियर के जैसा ही है, इसलिए तुम इसे रेनडियर ही कह सकते हो। अब इसके बड़े सींग हवा में किसी तरह के चेंजेस कर देते हैं, जिससे आसपास जो भी उसे स्मेल करता है उसे अपनी ही आपस की बॉडी में थकान फील होने लगती है। और जब भी ये अपने सींगों को हिलाते हैं तो उसमें से एक असली जैसा इल्यूशन बनता है, जिससे ये किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं। वैसे ये सिर्फ अपने बचाव के लिए ऐसा करते हैं, और एक बार तो ऐश और उसकी टीम और टीम रॉकेट भी इसमें फंस चुके हैं। अगर आपको ना पता हो तो रोडोल्फ रेड नोज वाले रेंडियर की बहुत शाइनी नोज होती है। रोडोल्फ क्रिसमस का एक बहुत खास हिस्सा है, और तो और हमने इसे पोकेमोन में भी देख लिया है पिकाचू विंटर वेकेशन के एपिसोड 4 में। इसे सेंटा क्लॉस के साथ बताया गया है उनकी गड्डी खींचते हुए।
नंबर सिक्स में है पाइन को, ये वॉल होकर फॉरेस्ट रेस बनता है। तो जब क्रिसमस आता है तो लोग अपने घरों को सजाते हैं और पाइन कोन डेकोरेशन के लिए भी अच्छा है और इसी तरह से ये पोकेमोन क्रिसमस से जुड़ा हुआ है। और तो और पोकेडेक्स के बताए हुए हिसाब से ये पेड़ में लटका रहता है बिल्कुल पाइन कोन की जैसे। तो पूरा का पूरा पाइन कोन एक पोकेमोन है जो क्रिसमस ट्री को पूरा कर देगा। नंबर फाइव में आती है ब्लेसी। अगर तुम सब पोकेमोन से जुड़े हुए हो तो जरूर पता होगा ब्लेसी चेंसी से इवॉल्व होकर बनती है और ये सिर्फ तभी इवॉल्व होता है जब ये पूरी तरह से खुश हो, एक हाई लेवल हैप्पीनेस में, इसलिए हैप्पी पोकेमोन भी है। क्रिसमस सीजन को कहा जाता है कि ये सीजन मस्ती, मजाक और खुशियों से जुड़ा हुआ है और ब्लेसी भी एक हैप्पीनेस पोकेमोन है जो इस मौके को और भी ज्यादा अच्छा बना देती है। नर्स पोकेमोन चेंसी कितनों की मदद करती है जिससे सभी को हैप्पीनेस मिलती है। विकसित होने के बाद इसके पंख निकल आते हैं जो बिल्कुल एंजल की तरह होते हैं और पोकेडेक्स के हिसाब से जो भी ब्लेसी का अंडा खाएगा वो बहुत खुश रहेगा और सभी को हैप्पीनेस बांटेगा। साफ साफ कहना भाई, अंडा खाओ और सेंटा बन जाओ। अब नंबर फोर में है एक जाना माना पोकेमोन जो मिस्टी के साथ में था, ये है स्टारयू, एक स्टार शेप का पोकेमोन। ये वाटर टाइप पोकेमोन इवॉल्व होकर स्टारमी बनता है पर सिर्फ तब जब इसके पास वाटर स्टोन को लाया जाए। स्टारयू का रेड कलर का स्टोन इसके हारने पर चमकने लगता है या जब ये कमजोर या फिर इंजर्ड हो जाए। और तो और तुम्हें याद ही होगा हमें से खास तौर पर इस पोकेमोन को मिस्टी के पोकेमोन के नाम से भी जानते हैं। जैसे अगर हम किसी भी स्टारयू को देखें तो पहले हमें मिस्टी की स्टारयू की याद आती है। तो क्रिसमस ट्री के साथ में हमें हमेशा एक और चीज की जरूरत होती है जो इसे पूरा कर देती है और वो है सबसे ऊपर का स्टार। तो स्टारयू एकदम परफेक्ट है इसे पूरा करने के लिए। और तो और स्टार शेप की बॉडी होने के अलावा इसके पास मोती भी है जिससे और ज्यादा कूल और मैजेस्टिक लुक आएगा। रियली ये पोकेमोन क्रिसमस ट्री को बहुत शानदार बना सकता है। नंबर थ्री, मिलो जिराची से, स्टील साइकिक टाइप पोकेमोन। जिराची को लोग विशमेकर भी कहते हैं जिसके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो किसी की भी विश को पूरा कर सकता है। अब जरा सोचो जिराची से मैं क्या मांगूंगा। जिराची मुझे भी सेंटा क्लॉस बना दो। हो अरे मैं भी सेंटा क्लॉस बन गया पर मुझे नहीं बनना यार, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। मुझे वापस पोकेमेंजर बना दो और मेरी कोई और विश को पूरा कर दो। मेरी विश है कि सब लोग इस वीडियो में 5000 लाइक्स का एक एम पूरा कर दें। तो गाइस इस विश को पूरा कर ही देना और आप जाके लाइक जरूर करना। कुछ लेजेंड्स ने ये कहा था कि ये पोकेमोन हजारों साल सोता है और सिर्फ तभी उठता है जब मिलेनियम कॉमेट दिखाई देता है और ये हमें पोकेमोन की मूवी में बताया गया है जिसका नाम है जिराची विशमेकर। तो गाइस ये पोकेमोन क्रिसमस पर हमें बहुत और बहुत सारे गिफ्ट दे सकता है। जो भी हम चाहें मुझे कमेंट्स में बताना तुम क्या विश करते और मेरी विश को भी पूरा कर देना क्योंकि आप सभी मेरे लिए मेरे जिराची हो। नंबर टू में जिंक्स, साइकिक और आइस टाइप पोकेमोन। ये एक इंसान जैसा पोकेमोन है जो आंख मारता रहता है। फैक्ट्स के हिसाब से इस पोकेमोन की वजह से असली की दुनिया में बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई है कि इसका कलर ब्लैक से पर्पल कर दो। वैसे जिंक्स की स्पीसीज सिर्फ फीमेल होती हैं, मतलब सब जिंक्स सिर्फ लड़कियां ही हैं। अब ये दिखने में तो खुद ही एक सेंटा के जैसा लगता है पर सेंटा लड़की नहीं है और ना ही ये सेंटा है। बस ये सेंटा क्लॉस के लिए काम करता है, जैसे उनके लिए प्रेजेंट को बांटना और बहुत से ऐसे काम जो लिटिल हेल्पर्स करते थे। एक एपिसोड में ये बताया गया है कि सेंटा क्लॉस के पास एक जिंक्स था और वो क्रिसमस के मौके पर उनकी मदद कर रहा था। और फाइनली जिसने नंबर वन की जगह ली है इस टॉप 10 क्रिसमस वाले पोकेमोन की लिस्ट में और कोई नहीं, वो डेलीवर्ड है। इस आइस और फ्लाइंग टाइप पोकेमोन के पास एक बहुत खास स्पेशल मूव है जिसका नाम है प्रेजेंट्स, जो तुम्हें देगा या तो डैमेज या तो हील करेगा। पर हमें नहीं पता है उसमें क्या होगा, क्या मिलने वाला है। डेलीवर्ड एक स्पेशल एपिसोड में आया था
खास तौर पर इसी के लिए एपिसोड था जिसका नाम है डेलीवर्स डेलमा, जहां ये सेंटा क्लॉस के साथ बताया गया है और ये भी उनकी मदद करता है गिफ्ट बांटने में। तो अगर तुमसे पूछा जाए भाई क्रिसमस के मौके पर सबसे खास क्या होता है, तो ऑफ कोर्स तुम कहोगे हो करते सेंटा। तो क्या कोई और पोकेमोन इस रोल में फिट होता इस डेलीवर्ट के अलावा? नहीं ना, क्योंकि ये परफेक्ट है। डेलीवर्ट को डिलीवरी पोकेमोन भी कहा जाता है और इसे देखकर ऐसा लगता है ये बात एकदम सही है। इसकी व्हाइट और रेड बॉडी बिल्कुल सेंटा क्लॉस के कॉस्ट्यूम जैसी ही है, और तो और मैंने बताया ही नहीं इसके छोटे बैग के बारे में, वो भी मैच करता है। और डेलीवर्ट हमेशा ही इस बैग को साथ में लेकर चलता है और इसलिए ये पोकेमोन सेंटा क्लॉस के जैसा ही है। तो गाइस क्रिसमस के टाइम में एंजॉय करो और इस वीडियो को लाइक भी, और हाँ 5000 लाइक्स कंप्लीट कर देना, और तो और अपने फेवरेट पोकेमोन के बारे में मुझे कमेंट्स में बताना, और सब्सक्राइब करो अगर न्यू हो तो ऐसी आगे पोकेमोन की वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।